हमारा ये जो डिस्कशन है चिंता से चिंतन की ओर तक का, ये जो कोविड 19 का जो माहौल फैला हुआ है, बार बार जो लॉकडाउन हो रहे हैं, इस माहौल में हम सबको इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है कि कभी कभी हम बिल्कुल सोच ही नहीं पाते कि हम इसके बारे में, इसके साथ कैसे लड़े, इसका कैसा सामना करें। तो आज के डिस्कशन में हम आपके साथ हमारे भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, शायद आप भी ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, और हम आपको कुछ ऐसी टूल्स और टेक्निक्स, कुछ ऐसी आइडियाज, कुछ ऐसे नुस्खे सजेस्ट करेंगे जो शायद आप यूज करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको इस पीरियड में शांत रहने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए, ज्यादा चिंता न हो, वो हेल्प करने के लिए आपको मददगार हो सकती है। तो ये जो बिल्कुल तनाव का सिचुएशन है, इससे लड़ने के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, ये माहौल ऐसा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बॉम्ब विस्फोट हो गया है और हम सब डर के अपने घर में छुप के बैठे हैं, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक भूखा खूंखा शेर पिंजरे से बाहर छूट के निकल गया है और हमारी तलाश में है, और हम कहीं ना कहीं आसरा लेने के लिए छुप के डर के बैठे हुए हैं। आई मीन, दिस इज रियली स्ट्रेसफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और जैसे जैसे लॉकडाउन हर वक्त एक्सटेंड होते जाता है, हर वक्त बढ़ते जाता है, आई थिंक तनाव और स्ट्रेस सबकी जिंदगी में और ही बढ़ता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे नताशा वर्मा? थैंक यू स्मिता वर्मा। जैसे आपने बताया कि ये जो हम इस समय से गुजर रहे हैं, ये हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम है, और ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम भी नहीं है, बट ये ऑफकोर्स हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे बेस्ट बनाएं। और जैसे आपने कहा है कि ये लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और इतना स्ट्रेस महसूस होता है, इतना वरी हो जाते हैं हम, चिंतित हो जाते हैं कि सामाजिक तनाव है, शारीरिक तनाव महसूस हो रहा है, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, हम सब इसी दौर से गुजर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि जब ये स्ट्रेस है और ये जो दौर है वो खत्म होगा, या अगर होगा तो भी कब खत्म होगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ बाइमा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इस समय में? नताशा वर्मा, जैसे मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, एक अनश्योरिटी है, एक हताश निराशा का फीलिंग भी महसूस होता है। कोई भी चीज प्लान करने से पहले समझ में नहीं आ रहा कि कल का दिन कैसे होगा, तो वो डेफिनेटली हो रहा है। एक काउंसलर होने के नाते मैंने ये पीरियड में अपनी जो भी मैंने सीखा है, जो भी अपने क्लाइंट्स के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है, वो सारी टेक्निक्स और वो सारी चीजें जो मैं आज थोड़ा शेयर भी करूंगी, वो मैंने जरूर से अपने आप पे कोशिश की और असर हो भी रहा है। लेकिन एक चीज मैं खुल के सब व्यूअर्स के सामने भी और आपके सामने भी बताना चाहूंगी कि जब ये कोविड 19 का डर शुरू हुआ और अचानक सब लॉकडाउन 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 होने लगा, तब एक ऐसा टाइम आया कि सारे फ्लाइट्स बंद हो गए, हम कहीं से जा नहीं सकते थे, किसी को बुला नहीं सकते थे। अब हुआ ऐसा है कि मेरे दोनों बच्चे US में अटक गए हैं, हम उन्हें ला नहीं पाए हैं, तो डेफिनेटली एक दो दिन जब ये सडनली लॉकडाउन हो गया, तो आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि कल क्या होगा, केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चे सेफ है कि नहीं, और इतना ज्यादा स्ट्रेस सडनली एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे दिख रहा था कि मेरी स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल चली गई, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, रह रह के रोना आ जाता था, आई कुड नॉट ईट प्रॉपरली, और एकदम से हाथ स्वेटी हो जाते थे, कुछ सोचने के लिए कोई बैंडविड्थ ही नहीं रहता था, दिमाग में कोई स्पेस ही नहीं रहती थी, बस हर वक्त चिंता 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 बनी रहती थी। जब मैंने अपने आप को ये करते हुए पाया, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को कैच किया कि ये सही नहीं है, एंड मैंने जो किया है कि वो फैमिली के साथ शेयर किया, खुल के अपने फ्रेंड्स के साथ बात किया। जब उनसे बात किया तो मुझे पता लगा कि उनका भी यही सिचुएशन है, काफी लोग इसी तनाव से गुजर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि और भी मेरी तरह लोग भी सफर कर रहे, उनको भी तकलीफ है, तो एक फीलिंग ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन, सब हम हैं जो ये बोट में शामिल है। इनफैक्ट मैंने अपने काउंसलर से भी बात की, और एक वो दो दिन जो मैंने अपने आप को संभाला और फिर अपनी जो टेक्निक्स वगैरह फिर से शुरू की, तो अब आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। देखिए, स्ट्रेस तो चला नहीं गया है, सिचुएशन अभी भी है, वरी अभी भी होती है, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ डील करने के लिए जो शक्ति, जो एनर्जी है, वो बार बार रहकर मैं अपने आप में लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाइमा, आप खुद ही एक काउंसलर हो, तो आपने, आपको बुरा नहीं लग रहा था कि आप इस सब ऐसा आपने शेयर किया सबके सामने? तो बिल्कुल भी नहीं, और अभी आपके सामने शेयर करने में भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है।
इनफैक्ट ये शेयर करने से मैं यही मैसेज अपने व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि देखिए हमारी सोसाइटी में ना कोई भी चीज स्पेशली अगर वो हमारे इमोशंस या मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है ना तो हम बहुत कतरा जाते हैं शेयर करने में, शेयर करते ही नहीं। बिल्कुल। देखिए अगर किसी को अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, हाँ कि किसी को डायबिटीज है या हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज है, तो बड़े खुल के शेयर करते हैं। इनफैक्ट ऐसे कितने सीनियर्स है जो प्रोग्राम में आएंगे कहेंगे मारे तो डायबिटीज छे, मने जमन टाइम पर जो ही है मारू शुगर डाउन थी जाए, मारू बीपी डाउन थी जाए, विच इज सो नेचुरल। बिल्कुल। जब हमारी इमोशंस की बात आती है, मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो समहाउ हम इस माहौल में बड़े और पले हैं कि हमें लगता है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं यानी आदमी मेंटल है, पागल है, पागल है, और ये ऐसा है नहीं। देखिए मुन्ना भाई ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि सर्किट ये केमिकल लोचा है भैया। तो है, जिस तरह से फिजिकल लोचे होते हैं उस तरह से इमोशनल लोचे भी होते हैं, मेंटल हेल्थ की वजह से केमिकल लोचा भी होता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जब ये स्ट्रेस धीरे से शुरू होता है और हम इसे शेयर नहीं करते, हम हेल्प नहीं मांगते, तो ये बढ़ते 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 एक ऐसी सीमा तक पहुंच जाता है कि फिर वो सीमा को पार कर जाता है और हम और बीमार हो जाते हैं। और एक और चीज है, हमारी सोसाइटी में ना आदमी जो है, मेन जो है, वो खास करके ये मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में शेयर करने से बहुत पीछे हटते हैं। समहाउ ऐसा बताया गया है या उन्हें ऐसा लगता है कि आदमी जब भी मेंटल हेल्थ की बात करेगा या कहेगा कि मुझे रोना आ रहा है या मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, तो लोग बोलेंगे तो बहुत वीक है, इसको तो स्ट्रेंथ नहीं है, चलो रोना नहीं है, लड़कियों की तरह रोना नहीं है, स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। जी। बट मैं आज ये खुल के बताना चाहती हूँ कि हमारी कोई भी चीज छुपाने से हम स्ट्रेंथ का इजहार नहीं करते। इनफैक्ट जब हमको तकलीफ होती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो एक्चुअली हम स्ट्रांग है। और यही मैसेज आज मैं अपने व्यूअर्स को फिर से दोहराना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपका स्ट्रेस है, देखिए कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अच्छा है, नॉर्मल है, मगर जब ये मैनेज से बाहर हो जाता है, जब आप इसका मैनेज, आप इसका अपने आप में संभाल नहीं सकते हैं, तो प्लीज खुल के बात कीजिए, हेल्प लीजिए, काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है। और यही मैं कहूंगी कि शेयर करने में इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई बुरा नहीं लगा। नताशा मैम आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आई एम श्योर आप भी शेयर करने में पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, मुझे भी बुरा नहीं लग रहा है ये इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए कि जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका था और इतना ऑफिस का काम इतना बढ़ गया था और उसके साथ हमें सब चीज मैनेज करनी है, घर का काम भी देखना था, ऑफिस का काम भी देखना था, बट वो इतना तनाव हो गया था, एक दो चार दिन आठ दिन इतना स्ट्रेसफुल कि डर लगता था, घबराहट महसूस होती थी, रात को नींद नहीं आती थी। तो मैं वही सोच रही थी कि इससे हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इससे कोप कर सके। तो जैसे आपने हेल्प ली उसी तरह से मैंने भी अपनी फैमिली का सपोर्ट लिया, मेरी फैमिली से बात की और उन्होंने काफी हद तक मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे इससे निकलने में काफी हद तक आसानी हो चुकी थी। और मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी इसी तरह से जो फीलिंग्स है हमारी उसे फील कर रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि ये सिचुएशन जो है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, और जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में वरी करके, चिंता करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उससे बेहतर है कि हम उससे कैसे डील करें, हम उससे कैसे लड़े, इससे ये हमें सोचना चाहिए, इस पे हमारा ध्यान फोकस करना चाहिए। तो मैंने फिर अपना एक शेड्यूल बनाया और उसमें जो वर्क फ्रॉम होम था उसके कुछ टाइम मैंने वहां दिया और घर के हाउस होल्ड थिंग्स मैनेज किए, अपने पर्सनल एक्टिविटीज जो मैं अपने आप को बिजी रख सकती हूँ वो सब किया। उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली और ऑफकोर्स फैमिली सपोर्ट तो था ही। एंड इनफैक्ट हमारे घर में मेरे दादाजी है तो उनका एक वो 80+ है, एंड बिफोर द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले वो इतने एक्टिव हैं कि वो रोज ऑफिस जाते थे, बट जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है वो घर पर ही है, लगातार 40 डेज वो घर पर ही बैठे हैं और वो इतने बेचैन हो जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे रोज कि ये जमात खाना क्यों बंद है, ये कब शुरू होगा, ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा, आज जमात खाने जाना है ना, आज फ्राइडे है। तो मैं उनको रोज बताती हूँ कि नहीं आज तो लॉकडाउन है, ये हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और वो कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो वो इतने बेचैन हो जाते हैं। तो ये मैंने एक देखा है, जब हम उन्हें गिनान सुनाते हैं या उन्हें जो हमारे इस्माइली इंडिया की म्यूजिकल शोज होते हैं वो दिखाते हैं, तो काफी हद तक वो संभल जाते हैं। और उन्हें हमें रोज, जैसे हम एक छोटे बच्चे को बताते हैं वैसे हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो ये क्या सिचुएशन है, हम किस तरह से डील कर रहे हैं, तो उस तरह से हम उन्हें मैनेज करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं कि वो उनकी बेचैनी से वो बाहर आ सके। थैंक यू नताशा बायमा। और मैं एक और चीज़ पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमें ये पता चला है कि काफी लोग जब अपने आप को जैसे स्ट्रेस महसूस करते हैं, सो नहीं सकते हैं, तो वे लोग ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। जी इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि काफी लोग जो ये स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज का भी सहारा लेते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, और ये तो बिल्कुल भी बॉडी के लिए टोटली हानिकारक है। तो आप ये प्लीज बताएंगे कि ये मेडिसिन्स के बारे में और ये जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, इसमें क्या तालमेल है, क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल। तो जैसे आपने पहले मुझे पूछा कि ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं अगर चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो एज अ काउंसलर और एज अ साइकेट्रिस्ट जो अगर है, तो हम बिल्कुल ही ये रेकमेंड नहीं करते कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लिए लीजिए और खुद का इलाज खुद करें। अगर आपको चिंता हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, एक्सप्रेस करने में परेशानी हो रही है, तो आप प्लीज एक काउंसलर को आप कंसल्ट करें। और जब एक काउंसलर के पास हम जाते हैं तो वो हमें थेरेपी के थ्रू हमें समझाते हैं कि हमें कैसे इसे डील करना है। अगर केसेस सिवियर है, बहुत ज्यादा सिवियर है और लगता है कि मेडिकेशन जरूरी है, तब एक साइकेट्रिस्ट को हम पिक्चर में लेते हैं एंड साइकेट्रिस्ट की हेल्प से एंड मेडिकेशंस दोनों साइड बाय साइड इस थेरेपी को यूज करके हमें अपने क्लाइंट से डील करना है। और हमेशा याद रखना है दैट दीज टू विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, हमेशा ये साथ में लेके चलना है। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। और जैसे आपने बताया कि कुछ लोग स्ट्रेस के कारण सब्सटेंस यूज हो जाता है या ड्रग्स ले लेते हैं, तो ये बहुत ये भी हम रेकमेंड नहीं करते। ये हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो इससे स्ट्रेस रिलीफ होगा, बिल्कुल नहीं होता है। और ये बहुत ही हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए। सो ऑलवेज याद रखना है कि साइकोलॉजी में काउंसलिंग एंड मेडिकेशन साथ में ही हमेशा हमको लेना है। और हमने ये भी देखा है हमारी प्रैक्टिस में कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस आता है, हर जी हाँ सिचुएशन होता है जिसमें उसे थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी वरी रहती है। बिल्कुल और कुछ हद तक ये स्ट्रेस और ये वरी अच्छा भी है, बिकॉज आपको वो एक मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए। तकलीफ तब होती है जब ये स्ट्रेस या वरी या एंजाइटी आपको ऐसे फील होता है कि आपसे मैनेज नहीं होती, तब जाके आपको ये हेल्प के लिए हाथ बढ़ाना है, या तो बिल्कुल फैमिली से बात कीजिए या फ्रेंड से बात कीजिए जी या हाँ फिर काउंसलर का संपर्क साधिए। हमारे हेल्पलाइन बार बार अपने नंबर को फ्लैश करते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्पलाइन के भी नंबर्स को एक्सेप्ट कीजिए, वहां पे आपको काउंसलर्स के साथ में संपर्क में किया जाएगा। जी बिल्कुल ये सब कह के मैं ये भी एक चीज बताना चाहूंगी कि क्वांटम फिजिक्स की जब आप थियोरी पढ़ते हो तो उसपे बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और जिस तरह हमारा बॉडी रिएक्ट करता है उसमें गहरा ताल्लुक है। हमारे विचार, हमारे जो हम फील करते हैं और जो हमारे शारीरिक जो एक्सपीरियंसेस है उसमें बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और आपको पता है उसमें ये भी बताया गया है कि हमारी काफी सारी इलनेसेस, चाहे सर दर्द हो, चाहे हार्ट इश्यूज हो, चाहे इवन कैंसर, कहते हैं कि वेरी ऑफन ये साइकोसोमैटिक होती है। यस, बिल्कुल बॉडी में केमिकली कुछ गड़बड़ होने से भी होती है, जी लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस और तनाव से गुजरते हैं तो भी ये चीजें हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो सकती है। जी अब लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो ये किस तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। और अभी जो मैं आपको टेक्निक्स शुरू करूंगी बताने के लिए, ये आपको ये कनेक्शन के पास क्लोजर ले जाएगा, आपको बताएगा कि ये कनेक्शन किस तरह है और आप इसमें से किस तरह पॉजिटिव कनेक्शन बता सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगी, आप धीरे धीरे आंख बंद करके प्लीज ये एक्सपीरियंस को ध्यान में लाना है और इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से जीना है। ऑलराइट, तो अभी आप धीरे से आंख बंद कीजिए और एक ऐसे समय के बारे में सोचिए, एक ऐसा टाइम के बारे में सोचिए जब आप बहुत ही ज्यादा नाराज, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे किसी पे भी, बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत आगे पीछे वर्बल या फिजिकल कुछ फाइट हुआ था, व्हाटएवर, जो आप जिससे आपको बहुत ही ज्यादा
इरिटेशन, एंगर, बहुत आप ज्यादा गुस्से में थे, मैं 10 सेकंड के लिए बात करना बंद करूंगी और आप जो है ये एक्सपीरियंस को पूरी तरह एक्सपीरियंस कीजिए जिसमें आप बहुत गुस्से हुए थे। अब बताएंगे आपको क्या फील हो रहा है और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं बॉडी में? जैसे ही आपने मुझे वो नेगेटिव सिचुएशन को याद करने के लिए कहा, आपने नोटिस शायद किया होगा कि मेरे जो आईब्राउज थे वो काफी टेंस टाइट हो चुके थे और एक घबराहट सी महसूस हो रही थी, मेरे हाथ पसीने वाले हो चुके थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और एक नेगेटिव फीलिंग अंदर ऐसे फील हो रहा था। तो वो आप बहुत ऐसे अच्छा महसूस नहीं। कर रहे हो अभी, राइट? जी हाँ, एंड सिर्फ वो सिचुएशन के बारे में सोच के आप ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रेस और टेंशन मतलब अभी फील भी कर रहे हो। जी नाउ इमेजिन अगर ये सिचुएशन आपके दिमाग का है तो इस टाइम पे अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है आपकी लाइफ के लिए, कुछ डिसीजन, कुछ पॉजिटिव स्टेप अहेड लेना है, जी हाँ, हम चैट पे भी देख रहे हैं लोग कहते हैं कि उनका दांत वो क्लेंच कर रहे हैं, जी सांस हाँ, बहुत तेज हो गई है, जी ये हो रहा है, तो इन्हें इस सिचुएशन में जब आप हो, जब आप इतने स्ट्रेस या टेंशन या वरी में हो, तो अगर आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है तो जाहिर है कि आपके पास वो मेंटल स्पेस ही नहीं, मेंटल एनर्जी ही नहीं है वो चीज का सामना करने के लिए। बिल्कुल। अब ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट टू मैं फिर से आपको और अपने व्यूअर्स को इनवाइट करूंगी फिर से मेरे साथ एक और एक्सपीरियंस के थ्रू जाने के लिए। आप फिर से धीरे से अपनी आईज को बंद करेंगे और अब एक 10-15 सेकंड के लिए आप एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में, एक ऐसी जिंदगी की एक कहानी के बारे में सोचेंगे जो आज तक आपका सबसे सबसे खुशी भरा एक्सपीरियंस हो, जो आपको बहुत खुशी दी थी, आप बहुत ही खुश हुए थे, आप झूम रहे थे, खेल रहे थे, आप यू वर स्माइलिंग, लाफिंग, सिंगिंग, जो भी, जो आज तक आपकी जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा प्रसंग हुआ हो उसको आप अब 10 सेकंड्स तक याद करेंगे। अब बताइए आपको कैसे फील हो रहा है? मैं सच बताऊं, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे जैसे आपने देखा कि मेरे फेस पे एक स्माइल आ गई थी, काफी ज्यादा मेरा जो टेंशन था बॉडी में वो बहुत ज्यादा रिलीज हो चुका था, खुशी महसूस हो रही थी, हैप्पीनेस था एक प्रकार का और बहुत ही अच्छा फीलिंग था वो। और ये जो स्टेट है जहां पे आप, इसे हम कहते हैं फ्रीज फ्रेम पॉजिटिव स्टेट, ये जो माइंड स्टेट है जो आप चैट पे भी आ रहे हैं, जो कोई स्माइल कर रहा है, जिसे चेयरफुल लग रहा है, हार्ट बीट स्लो हो गई है, सांस लेने में आसानी है, ये जो जब आप माइंड का स्टेट है, और इसकी ब्यूटी देखिए, जस्ट 2 मिनट पहले सिर्फ आपके विचार से आप एंग्री हो गए और 2 मिनट के बाद सिर्फ आपके विचार से आप में एक शक्ति आ गई है। दिस इज द ब्यूटी, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जो हम सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे बॉडी पे होता है। जी। ये जो स्टेट है आपका जिसमें आप खुशी महसूस कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप ठीक से सांस ले सकते हो, जी, ये स्टेज में अगर आपको जो भी आपकी लाइफ का स्ट्रेस है, जो चिंता का विषय है, जो आगे तकलीफें हैं आपके सामने, वो तो कोई मैजिक की तरह फुश फुश करके जाने वाली है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक तरह की पॉजिटिविटी, एक तरह की शक्ति आई है कि अच्छा जो भी सिचुएशन है अब एटलीस्ट इससे लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए मेरे पास एक ताकत है। बिल्कुल। तो ये जो एक्सपीरियंस आपने किया, एंड आई एम थैंकिंग माय व्यूअर्स कि आपने भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस किया, तो इसके साथ मैं आपको अपनी पहली टेक्निक के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है 3 हीरो वाली टेक्निक, 3 हीरो टेक्निक्स। ओह वाओ मैम, दैट्स नाइस। जी देखिए, मैं बॉलीवुड फैन हूँ, मुझे बॉलीवुड पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है। मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के 3 हीरोज के फिल्मों को याद करके आपको उनके साथ में एक एसोसिएशन क्रिएट करवाऊंगी माइंड में, ताकि जब भी आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। आर यू रेडी? आर द व्यूअर्स रेडी? ऑलराइट। तो ये 3 हीरो टेक्निक के हमारे पहले हीरो है मिस्टर आमिर खान। ओके। तारे जमी पर। ओके। ओके। अब आपको याद होगा नताशा बाईमा, जब वो ईशान अवस्थी के फादर के साथ बात कर रहे हैं जी। तो उन्हें एक सोलोमन आइलैंड की ट्राइब के बारे में कहानी बताते हैं, आपको याद है वो कहानी? जी हाँ, मुझे याद है भाई मैम। तो वो इस कहानी में कहते हैं कि सोलोमन आइलैंड में एक ट्राइब है, एक कबीला है, और जब उन्हें कोई झाड़ काटना होता है या तोड़ना होता है तो वो उसे इतना कोसते हैं, इतना उसे नेगेटिव बातें कहते हैं, इतना उसको भला बुरा कहते हैं, इतने दिनों तक इतना कोसने के बाद कि वो झाड़ इतना वीक हो जाता है कि उन्हें उसे फिर वो अगर एक कुल्हाड़ी ही मार दे तो अपने आप गिर जाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू भाई मैम, आपने शेयर किया।
और यही एग्जैक्टली वही होता है जब हम अपने दिमाग में वरी चिंता के थॉट्स बार 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 लेते हैं। और ये जो वरी की हैबिट है ना, ये चिंता जो है ना, ये एक बहुत ही फनी तरह का हैबिट हमने पाली है। जितना वरी करोगे और वरी करने का मन होगा, और वरी करने का मन होगा उस पे, और हम मिर्ची मसाला डाल के इतना अपने आप को वीक कर देंगे कि आगे हमें कुछ सोचने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो जैसे ये आमिर खान की स्टोरी है, पहली जो आपने पहला स्टेज है इसमें आप आमिर खान को ये स्टोरी में याद करेंगे, और फिर आप ये करेंगे, मैं अपने व्यूअर्स को भी इन्वाइट करूंगी ये करने के लिए, कि जब भी ये नेगेटिव थॉट आता है तो आप अपने दोनों हाथों की ऐसी उंगलियों को लेके जैसे कैंची की तरह बनाएंगे, और जब ये थॉट शुरू होता है आप कहोगे कट कट कट, माने आप इस, cut, आपको इसको काट देना cut, है कट कट कट। ओके, ये है हमारे थ्री हीरो टेक्निक के पहले हीरो आमिर खान। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे सबके चहेते कौन बनेगा करोड़पति से, हमारे अमिताभ बच्चन जी को। और कोई भी पार्टिसिपेंट जब उन्हें जवाब देते हैं तो अमिताभ बच्चन जी का रिस्पॉन्स क्या होता है, कंप्यूटर जी इसे लॉक कर दिया जाए, इसे लॉक कर दिया जाए। और आज हम यही न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की एक टेक्निक एंकरिंग का सहारा लेके हम ये टेक्निक को और ये फीलिंग को आज लॉक कर देंगे। तो अब मैं आपको और अपने व्यूअर्स को फिर से इन्वाइट करूंगी कि आपने जो वो सिचुएशन के बारे में सोचा था ना, जहां आपको बड़ी खुशी हुई थी, आपका लाइफ का बहुत ही प्यारा सिचुएशन था, आज हम सब मिलके वो स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पे लॉक कर देंगे, मानी एंकर कर देंगे। आज हम साथ में करेंगे, और फिर जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो कनेक्शन है, ये जो लॉक का, ये स्ट्रांग होते जाएगा। आप पहले मेरे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए और फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी मेरे साथ ये करने के लिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, फिर से जाके वो स्टेट को याद करोगे जब आप बहुत खुश थे, बहुत आपको बहुत ही मजा आ रहा था, और 10-15 सेकंड तक आप वो सिचुएशन को याद करोगे, और आपका बॉडी जब काम हो जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी, तब मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दूंगी, कंप्यूटर जी माने आपके दिमाग को हम कहेंगे इसको लॉक कर दिया जाए। तो आपको करना क्या है, अगेन आपके दोनों हाथों में जो फर्स्ट फिंगर है और आपका थंब है, अंगूठा है, उसको इस तरह से बंद करना है चिन्ह मुद्रा में, हल्का सा प्रेशर देना है। प्रेशर देने से क्या होगा, आपके माइंड में एक सर्किट जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा। ऑलराइट, तो आप इसे लॉक करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, और ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप वो खुशी महसूस कर रहे हैं उस सोच का, इस बॉडी फीलिंग के साथ में एक सर्किट बन रहा है। तो आज हम इसे एंकर कर देंगे आपके लिए, और फिर जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे तो अमूमन इजी 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 होते जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आपको ये स्टेट में जाना है आप सिर्फ इसे ऐसे लॉक कर देंगे और ऑटोमेटिकली ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और आपका माइंड काम हो जाएगा। ठीक है? हम सेकेंड हीरो की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ठीक है, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी इन्वाइट करूंगी सेकेंड स्टेज के लिए रेडी होने के लिए। तो प्लीज आप धीरे से आंख बंद करके फिर से वो स्टेट में जाइए जहां पे आपने बहुत पॉजिटिव फीलिंग महसूस किया, खुशी महसूस की, आप उसे एकदम से रिलीव कीजिए। 10 सेकेंड्स तक मैं नहीं बोलूंगी, आप अपने आप से उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लीजिए। yes. अब आंख बंद रख के मैं आप सबके कंप्यूटर्स को बोल रही हूं, यानी आपके दिमाग के कंप्यूटर्स को इनवाइट कर रही हूं, प्लीज आप ये स्टेट को लॉक कर दीजिए, इसे लॉक किया जाए। तो आप इस तरह आपके हैंड्स को पकड़ेंगे आंख बंद रख के, और पूरी तरह ये एक्सपीरियंस को जी लेंगे पूरी तरह से, और इमेजिन करेंगे माइंड में कि माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन, एक सर्किट पूरी तरह से बन रहा है। ठीक है, कह सकते हैं मैम लॉक कर दिया जाए। यस प्लीज, आप अपने आप से कीजिए, दिमाग के कंप्यूटर जी इस फीलिंग को लॉक कर दिया जाए। यस प्लीज कहिए। ओके, ऑलराइट, ये हुए हमारे सेकंड हीरो। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे थर्ड हीरो को, थर्ड स्टेज ऑफ द टेक्निक, जो है हमारे ऋतिक रोशन फ्रॉम जिंदगी न मिलेगी दोबारा से। ओके, आपको पता है उस फिल्म में जब वो डीप सी डाइविंग करके बाहर आते हैं, वो तो बहुत डरते थे जाने में पानी पानी में, बट जब डीप सी डाइविंग करके बाहर आते हैं और फरहान अख्तर उन्हें पूछते हैं कि भाई आपने जिंदगी के क्या राज सीख लिए, उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस में जवाब दिया था, आपको याद है वो क्या कहा था? जी हाँ बाबा, वो कहते हैं कि बस सांस लेते रहना है। एग्जैक्टली, ब्रेथ हमारी लाइफ है, और हम जब स्ट्रेस और टेंशन में आते हैं तो हम ब्रीदिंग करना भूल जाते हैं, इन द सेंस हमारा जो ब्रेथ है, सांस है, वो बहुत शैलो हो जाता है, जब एकदम
एकदम शैलो ब्रीदिंग हम करते हैं और उसमें स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता है, माइंड का बैलेंस नहीं होता है. तो ये जब आप लॉक कर देते हो, उसके बाद आप थर्ड हीरो को इनवाइट करेंगे, ऋतिक रोशन को दिमाग में, और वो आपको कहेंगे गहरी सांस लेते रहिए. तो मैं व्यूअर्स को इनवाइट करूंगी फिर से इसको लॉक करके, आंख बंद करके 2-3 बार ये गहरी सांस का एक्सपीरियंस कीजिए. और ऑटोमेटिकली आपको ये महसूस होगा कि वरी, चिंता, वो सब जो आगे आपके स्ट्रेसेस है वो है, लेकिन आपका दिमाग धीरे 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 करके एक शांति की तरफ जा रहा है, एक कंफर्ट लेवल, एक कंफर्ट लेवल की तरफ जा रहा है, जिसमें आप फिर कुछ भी सोचने के लिए रेडी हो सकते हैं. तो ये है हमारी थ्री हीरो टेक्निक. और जैसे हम आगे बात करेंगे, मैं इसको और एक चीज से कनेक्ट करूंगी, तो जस्ट रिवाइज कर देंगे. पहले आप बुलाएंगे आमिर खान को कट कट कट, कट करने कट. के लिए बिल्कुल. फिर आप बुलाएंगे अमिताभ बच्चन जी को, ये लॉक कर दिया, लॉक करके एंकर कर देंगे. और थर्ड हीरो है जो हमारे ऋतिक रोशन जी, वो आपको याद दिलाएंगे कि गहरी सांस लेते रहे. और नताशा मैम, मैं आपको इनवाइट करूंगी हमारे व्यूअर्स को अब बताने के लिए कि वो किस तरह से सांस लेना चाहिए, हम क्या गलती कर लेते हैं और ठीक से सांस लेने के फायदे क्या है. तो प्लीज आप हमें वो बताइए. तो आज मैं आपको और अपने व्यूअर्स को भी इसमें शामिल करने को इनवाइट करती हूँ कि आप जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से हमें करेक्ट तरीके से सांस लेनी है, राइट. तो आई इनवाइट माय व्यूअर्स आल्सो. तो जब हम पहले सांस लेते हैं, तो जिस तरह हम बलून में हवा ब्लो करते हैं, राइट, तो जब हम इनहेल करेंगे तब हमारा स्टमक जो है उसे भी बाहर की तरफ आना है, क्योंकि उसमें हवा भरी जा रही है, राइट. तो हम पहले इनहेल करेंगे, और ये एक्सहेल करते समय हमें पूरी हवा हमारे मुंह के थ्रू बाहर निकालनी है. जैसे एक बलून में से हवा बाहर निकलती है और हवा बलून फ्लैट हो जाता है, राइट, उसी तरह से हमें इसे भी उसी तरह से यूज करना है. तो अब हम एक साथ में एक दो बार ये प्रैक्टिस करेंगे. ओके मैम. जी जरूर. आई ऑल्सो इन्वाइट माई व्यूअर्स, बैठे बैठे इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन आप ये ट्राई कर सकते हो. आई एम श्योर वर्मा, आपने जैसे ये प्रैक्टिस किया तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एक कामनेस, एक ठहराव आ चुका था. आपको लगा कि नो, जो ब्रीदिंग है वो सही जा रही है, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो ज्यादा फ्लो होता है, जिससे हमारा माइंड काम हो जाता है. और हमें क्या करना है, अगर स्ट्रेस है तो उससे कैसे डील करना है, उसके उससे करने की हिम्मत हमें आ जाती है. बिल्कुल. तो आप बताइए आपको कैसे महसूस हुआ. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इवन अभी 2-3 बार करने से भी मुझे एकदम काम महसूस हुआ. अब जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे एक कामनेस महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, एक नया तरह का एनर्जी भी लग रहा है मुझे. जी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी यही फीलिंग्स आई होंगी. एंड इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम. जी, उस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं मेरा पोजिशन थोड़ा सा चेंज कर दूंगी तो आपको क्लियरली दिख सके, ठीक है. तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हमारे व्यूअर्स, आई होप मैं क्लियर हूँ. तो जब हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे तो हम हमारे हैंड्स को ऐसे रखेंगे हमारे नोज पर, और विद द थंब एंड दिस फिंगर हम लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग शुरू करेंगे और राइट साइड से उसे बाहर एक्सहेल कर देंगे. फिर से हम राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल आउट कर देंगे. तो आई इनवाइट यू एंड आवर व्यूअर्स टू आल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी. जरूर. तो बाबा जब यस सो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं अनुलोम विलोम की, तो
ऑटोमेटिकली जो माइंड है और बॉडी है उसमें एक बैलेंस आ जाता है, जिससे हम हमारे इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, और इसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। थैंक यू बायमा, आपने माइंडफुलनेस की बात की, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और मेरी जो अगली टेक्निक है वो ये माइंडफुलनेस पे ही बिल्ड हो रही है। बिल्कुल। तो होता ये है कि हम जब चिंता करते हैं, जब वरी करते हैं, और हम समहाउ इसे रोक नहीं पाते, हम समहाउ ये वरी जो है एक ऐसी आदत हो गई है, मानो इसको हम कहते हैं एक स्टबर्न मंकी, एक ढीठ बंदर, जो हमारा दिमाग है ना वो एक ढीठ बंदर की तरह है, बस जिसे हम दूर भगाने की कोशिश करेंगे फिर से हमारे पास आ जाएगा, दूर भगाएंगे फिर से पास आ जाएगा जी। तो आज मैं आपको एक्चुअली इनवाइट करती हूँ माइंडफुलनेस रख के चिंता करने के लिए। तो आप हमें चिंता करने को कह रहे हो भाई मां? जी हाँ, लेकिन माइंडफुलनेस रख के चिंता करना। ओके। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैवियट है, ये है कि ये टेक्निक का नाम है 7 से 17 मिनट अलार्म लगा के। ओके, 7 से 17 मिनट अलार्म लगा के। अब ये टेक्निक पहले मैं आपको समझाऊंगी कि नॉर्मली ये होता है कि जब हमें कोई भी चीज की चिंता होती है, या तो हम अमूमन पूरा दिन चिंता करते रहते हैं और कोई भी दूसरी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं चलो भैया आके बैठो, अब मैं अपने आप को ये 17 मिनट के लिए सिर्फ चिंता करने के लिए इनवाइट कर रही हूँ, तो हमारा दिमाग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, रियली आप हमें चिंता करने के लिए बुला रहे हो? और सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि 17 मिनट का अलार्म लगाना है, 17 मिनट से ज्यादा इसको टाइम को चिंता के लिए नहीं देना है। अब आप कहेंगे 17 मिनट क्यों? सो एज ए ट्रेनर हमने ये रिसर्च किया है कि कोई भी इंसान जब कोई चीज सुन रहा है या किसी की बात सुन रहा है, तो अगर क्विकली वो कुछ दूसरी चीज नहीं करता है, जस्ट एक ही दौरान सुनते जा रहा है सुनते जा रहा है, तो 17 मिनट के बाद उसका दिमाग थोड़ा थक जाता है, राइट? तो हम वही प्रिंसिपल को यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे, और मिनिमम कोई भी चीज को सोचने के लिए एटलीस्ट 5 से 7 मिनट लगती है, इसलिए टेक्निक का नाम है 7 से 17 मिनट अलार्म लगा के। Okay. तो अब आपको ये करना है कि अलार्म लगाना है 17 मिनट का, एक पेन और पेपर भी साथ में रखना है, या आप डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित है तो, राइट? ओके। उस डायरी में आज की डेट लिखनी है, जैसे आप आज बैठ रहे हैं एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप आज की डेट लिख दीजिए, और फिर अलार्म लगा के 7 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, मैक्सिमम 17 मिनट, 17 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। Okay. तो आप अलार्म लगाएंगे और फिर आंख बंद करके पूरी तरह चिंता करेंगे, जो भी आपके चिंता के विचार है, जो भी आपको वरी लगती है, जो भी आपको लगता है कि आपको बुरे ख्याल और बुरे फीलिंग्स आते हैं, चिंता चिंता चिंता, आप वो पूरी तरह एक्सपीरियंस करके उसे लिखते जाएंगे। तो जैसे आपको ख्याल आएंगे कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा EMI बाकी है, मेरे एक स्टूडेंट होगा तो कहेगा मेरी एग्जाम्स का टेंशन है, मैं पढ़ाई किस तरह करूंगा, स्कूल शुरू होगी कि नहीं, होम मेकर्स जो है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हमें हेल्प मिलेगा कि नहीं, कितना स्टॉक करना कितना नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज है, जितनी भी आपकी चिंता के थॉट्स है वो आप लिखेंगे, साथ साथ में चिंता की जो फीलिंग्स आती है साथ में वो भी लिखेंगे कि मुझे बेहद डर लग रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, मुझे भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, ये सब जो फीलिंग्स भी है वो आप लिखते जाएंगे। बिल्कुल। 17 मिनट तक आप पूरी तरह चिंता करेंगे माइंडफुली। जैसे आपका 17 मिनट का अलार्म बजेगा, ये जो ढीठ बंदर है ना माइंड मंकी, ये आपको पुल करेगा और थोड़ा चिंता करने के लिए। आप उसे कहोगे बस हो गया भैया, आज के लिए इतना ही सर्कस काफी है, हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, राइट? तो 17 मिनट का अलार्म बजने से आप ये मंकी को कहेंगे बस अब तुम जाओ, बहुत हो गया, और आप हमारे 3 हीरो टेक्निक्स में से 3 हुरक को फटाफट बुला लेंगे फिर से। पहले जी हाँ, तो 17 मिनट वरी कर, क्योंकि आपको ये वरी रोकना है ना, तो आप पहले हीरो को बुलाएंगे जो है आमिर खान जी, जी। जो आपको कहेंगे 17 मिनट बज गया, अब इसे कट 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 कट, कट ओके। फिर अमिताभ बच्चन जी आएंगे और आप याद करोगे कि आपको ये लॉक कर दिया जाए, तो आप वो आपका जो पॉजिटिव फीलिंग आपने जो एक्सपीरियंस किया था और जो सर्किट बनाया था आपने ये फीलिंग ये बॉडी एक्सपीरियंस और ये माइंड के साथ में, उसको आप लॉक कर देंगे और गहरी सांस लेते रहेंगे ऋतिक रोशन को याद करके। और जब आप गहरी सांस लेते रहोगे और आप रियलाइज करोगे कि आपका माइंड आपका बॉडी काम शांत थोड़ा महसूस कर रहा है, यही होगा कि अब हम जा रहे हैं चिंता से चिंतन की ओर। इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको इनवाइट करती हूँ पूरी तरह चिंता कर लीजिए, लेकिन सिर्फ 7 से 17 मिनट अलार्म लगा के, उससे ज्यादा नहीं।
बिल्कुल फिर आप ये थ्री हीरो टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और जब आप गहरी सांस लेने का शुरू करेंगे तब आपके बॉडी में एक काम फीलिंग महसूस होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आपने जो भी लिखा है पेपर पे आप उसे देखेंगे वापस कि ओके ये मैंने लिखा है, ये मुझे तकलीफ हो रही है। अब इस शांति वाले माइंड स्टेट में आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या मुझे किसी से बात करनी है, क्या मुझे अलायंस में ज्वाइन करना है, क्या मुझे कुछ लोन का बंदोबस्त करना है, जो भी आपकी वरी है। देखिए स्ट्रेस कोई ऐसा नहीं कि आप आपको के मैजिक पोशन देते के फुश करके उड़ जाएगा जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन चिंता और वरी करने से आपको उस स्ट्रेस का सामना करने की शक्ति चली जाती है। और जब आप चिंतन के मूड में आते हैं और मोड में आते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बढ़ता है जहां पे आप बैठ के, और फिर से मैं इनवाइट करूंगी प्लीज लिखिए, जितना आप लिखोगे जो यहाँ पे टोकरी भरी हुई है टेंशन की या जो भी है वो आप पेपर पे डाल रहे हो। और ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है, अगेन एनएलपी में इसे एसोसिएशन के तरह भी देखा जाता है कि आपका यहाँ जो है वो आपने बाहर निकाल दी एनर्जी और यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर किया है पॉजिटिविटी के लिए। बिल्कुल, तो आप वो सारे चिंतन के थॉट्स लिखते जाएंगे और यही आप करेंगे चिंता से लेके चिंतन की ओर जाने के लिए। ये कैसा लगा आपको सुन के भाई? मैम बहुत ही मजा आया, बिकॉज जब आपने उन तीन हीरोज को फिर से बुला लिया तो ऐसे लगा वो मेरे सामने खड़े थे और मैं उनके हेल्प से मैंने वो कट कट किया और मैंने उसे लॉक कर दिया। और सांस तो ऑफ कोर्स लेते ही रहना है बट विद द करेक्ट टेक्निक। तो जैसे आपने हमें बताया कि हमें ये सब लिखते रहना है चिंता से चिंतन की ओर जाने के लिए, हम लिख सकते हैं ये सब हमारी फीलिंग्स है जो हमें थॉट्स आ रहे हैं, तो हम क्यों ना इसमें एक और चीज ऐड कर दें। जब हम ये लिख रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स ये भी कर सकते हैं कि वो जब लिखे तब एक कॉलम ऐसा बनाए जिसमें हम लिख वो चीजें लिखे जिसके लिए हम शुक्राना फील कर रहे हैं। जरूर, और जितने चीजों के लिए आप शुक्राना करोगे उतना ही आपका भी जो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग है वो बढ़ेगा बढ़ेगा। और आप देख सकोगे कि कितने लोगों के पास कितनी सारी चीजें नहीं है, आपके पास भी कम है लेकिन किसी और के सामने आपके पास बहुत ज्यादा है जो उनके पास नहीं है। तो यस, शुक्राना। और इसमें हम राइट और इसमें हम एक और चीज का ट्विस्ट कर सकते हैं। हम सब घर में है, लॉकडाउन में है राइट, और हमारे घर में काफी सारे डब्बे हैं, आई एम श्योर हमारे सबके पास डब्बे काफी होंगे घर पे, तो हम एक ग्रेटिट्यूड बॉक्स बना सकते हैं जिसके थ्रू हम इस बॉक्स को एक नाम दे कि ये हमारा ग्रेटिट्यूड बॉक्स है। तो इस बॉक्स में हम एवरी डे एक एक किट डाले जिसमें हम लिखे कि आज मैं किस चीज के लिए शुक्राना करता हूँ। तो एज अ फैमिली, और हमारी फैमिली भी ये प्रैक्टिस करती है, तो हम ये पूरी फैमिली मिलके हम क्या कर सकते हैं कि एक एक चिट लेकर हम उसमें डालें और जो दिन हमें अच्छा लगता हो भले ही वो एक सैटरडे हो या फ्राइडे हो, आपके कन्वीनियंस पे हम एज अ फैमिली बैठे और उस बॉक्स को ओपन करें। तो जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे तब हमें एहसास होगा कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं और हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हमें किस चीज की चिंता है। तो उस तरीके से हमारा फैमिली बॉन्डिंग भी होगा और हमें एहसास होगा कि हम कितने लकी हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो ये एक एक्टिविटी आई कैन से कि हम करते हैं और हमारे व्यूअर्स भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू बर्मा, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और शायद कोई चैट पे भी पूछ रहे हैं कि ये टेक्निक एक बार उन्हें समझनी है। आमिर खान वाली जो स्टोरी थी उसकी, जो झाड़ काटने वाली, वो स्टोरी को आपको याद करने के लिए आमिर खान को याद करना है और आपको कहना है कि जिस तरह वो झाड़ इतना आसानी से कट गया, आप ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स है उसको आप काट डालेंगे बड़ी के थॉट से, वरना ये आपकी बॉडी को काट लेगा। और फिर जैसे आपने फीलिंग लॉक कर दी, फिर जैसे आपने डीप ब्रीदिंग की और लास्ट में आप आमिर खान को फिर से याद करके थ्री इडियट से ऑल इज वेल All is well. All is well. At least yes, एक positive intention दे देंगे तो ये हो जाएगा कि आपको आपकी कोई भी worry है उससे लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। And thank you Natasha Bama, आपकी ये gratitude की बात सुनके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा and I'm definitely going to start practicing आज से ही। थैंक यू सो मच बैमा, मुझे भी बहुत मजा आया आपके सब टेक्निक सुनकर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और मुझे एक एग्जाम्पल भी याद आ रहा है इस सिचुएशन में कि जो हमारा एक जैसे बॉलीवुड की मैं भी बहुत फैन हूँ आपकी तरह, तो एक है ना मूवी वो हेरा फेरी, उसमें बाबूराव कहते हैं कि अगर खुशियां बांटे तो खुशियां बढ़ती है और दुख हमें बांटने से कम होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल।
तो थैंक यू नताशा बाइमा, आपके साथ चर्चा करके आज मुझे बहुत ही खुशी मिली, बहुत कुछ सीखने भी मिला, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत खुशी हो हुई मिली होगी, और अब हम खान सर को बुलाएंगे। यस नताशा बाइमा। यस बाइमा, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि बिफोर हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करें, मैं जीशान सर से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जीशान सर याले मदद, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे स्मिता बाइमा ने पहले बताया और हमने काफी देखा है हमारी थेरेपीज में कि जो मेल होते हैं फैमिली के वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारे उनकी फीलिंग्स और उन्हें शेयर करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपके क्या विचार है इसमें? आई कम्प्लीटली अग्री नताशा बाइमा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ब्लेम बॉलीवुड को भी जाता है क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे जहन में डाल दिया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन हम सबको पता है कि दैट्स नॉट ट्रू। हर इंसान को दर्द महसूस होता है, और जैसे आपने बताया कि ये दर्द बांटने से कम हो जाती है। बिल्कुल। एवरी डे आज के दौर में मैं भी जब खुद रोज उठता हूँ, आई डू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैं ये सोचता हूँ कि अभी मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा, इनकम पूरी बंद हो गई है, अगर मेरे फैमिली में अगर ये डिजीज किसी को हो गई तो मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं, ये सब का स्ट्रेस मैं कैसे डील करूंगा इफ इट कम्स टू दैट। तो पर ये इन थॉट्स का हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है, एंड आई फील कि आप स्मिता बाइमा और नताशा बाइमा आपने जो टेक्निक्स अभी बताया है, आई फील अगर हम ये सब यूज करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली डील विद द स्ट्रेस। नताशा बाइमा जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आया है हाउ टू डील विद अग्रेसिव किड्स एट होम ड्यूरिंग COVID-19। आई थिंक अभी घर पे जब बच्चे भी है तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इम्पेशियंस हो रही है, और फिर वो मिसबिहेव करना चालू कर देते, तो एज पेरेंट्स उनको कैसे डील करना चाहिए बच्चों के साथ? जी, थैंक यू चेयरमैन सर फॉर दिस क्वेश्चन, और मैं कहना चाहूंगी कि जब बच्चे होते हैं और हर बच्चा अलग होता है, और जब वो कोई इमोशन एक्सप्रेस करता है जैसे कि अग्रेशन है या डर है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि वो अग्रेशन और डर कहाँ से आ रहा है, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो उसको ट्रिगर कर रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि अब इस समय में शायद ये हो रहा है बिकॉज हम सब घर में हैं, एज अडल्ट्स भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं, और जब ये अग्रेशन और गुस्सा बच्चों के से निकलता है तो एज अ पेरेंट दे आर द बेस्ट ऑप्शंस, उनके पास हाउ टू डील विद देयर चिल्ड्रन, दे हैव अ बेटर होल्ड ऑन देयर चिल्ड्रन एंड दे नो कि हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। तो एक चीज मैं पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगी कि जब बच्चा रोता है या गुस्सा हो जाता है तो उसे ऐसा ना कहे कि आप रो मत, उसे या मुझे ये रोना नहीं है आपको, आप तो लड़के हो आपको रोना नहीं है या आपको गुस्सा नहीं आना है, आप उनको ऐसे बोलो दैट आई अंडरस्टैंड, मैं फील कर रही हूँ कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, आपको क्या महसूस हो रहा है। एंड हमें एज अ पेरेंट ये भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों को बोले कि तुम बुरे हो, ऐसा नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि तुम्हारा बिहेवियर जो है वो बुरा है, तो ना कि हम वो बच्चे को टारगेट करें या हम, बट हम उसके बिहेवियर पे फोकस करें कि हम बिहेवियर तो हमेशा चेंज कर सकते हैं। स्मिता बाइमा, अगला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, किसी ने ये पूछा है हाउ टू नॉट रिएक्ट टू समवन ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन एंड नॉट गेट एंग्री, हाउ टू इग्नोर द पर्सन एंड जस्ट नॉट रिस्पॉन्ड। जी हाँ, यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर कोई सामने वाला बहुत अग्रेशन से बिहेव कर रहा है या गुस्सा हो रहा है, आप किस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब हम केयर टेकर्स होते हैं, जैसे कोई बच्चा है और वो बहुत एंग्री है और आप एज अ पेरेंट केयर कर रहे हैं, या दो स्पाउसेस है जिसमें एक स्पाउस बहुत ज्यादा गुस्से वाला है या गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम ये एक बहुत ही गलत सोच है कि हम किसी को चेंज कर सकते हैं। ये सबसे पहली हमारी सोच है जो हमें कट करनी है। हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो बार बार गुस्से हो जाता है या बार बार लैश आउट करता है और आपका झगड़ा होने लगता है, आप एक बार बैठ के अपने आप को पूछिए कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे उसको गुस्सा आता है। अब काफी लोग कहेंगे मैं तो कुछ नहीं करती, उसका बस नेचर ही ऐसा है, तो आपको समटाइम्स एम्पथी एम्प्लॉय करके ये भी समझना है कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या उसे कोई स्ट्रेस है, क्या उसकी ऐसी कोई फीलिंग्स है जो वो बता नहीं सकते हैं और इसलिए एंग्री
वे में रिएक्ट कर रहे हैं. और हमने देखा है कि बहुत सारे जो मेल्स हैं, जो मेन फोक है, क्योंकि वो बचपन से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किए हैं, खास करके सैडनेस के और हेल्पलेसनेस के. सैडली मैं ये बताना चाहूंगी कि जब वो बड़े होते हैं ना, तो यही जो फीलिंग्स जो दबी पड़ी है वो एंगर और अग्रेशन में बाहर निकलती है. इट्स अ वेरी सैड थिंग बट इट्स वेरी ट्रू. तो अगर हम एज केयर गिवर्स ये समझ ले कि ये इंसान इतना ज्यादा हर वक्त गुस्सा कर रहा है क्योंकि शायद उसके जो अंदर के फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसे कभी मौका ही नहीं मिला है, तो एक तो हमारी एम्पथी बढ़ेगी, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और जब हम जानेंगे कि वो इंसान एकदम गुस्से में रिएक्ट कर रहा है तब उस वक्त हम चुप हो जाएंगे. एंड एज काउंसलर्स वी हैव अदर टेक्निक्स भी जो हम हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह, जैसे कहते हैं ना 10 तक गिनना है, एक सिपर्स टेक्निक है, काम डाउन होना है या वो जगह छोड़ के कहीं और जाना है, लेकिन कम्युनिकेशन ऑन रखना है. तो जब भी आप देखो कि वो इंसान फिर काम स्टेट में है, बात करने के स्टेट में है, ठीक से वो खा पी लिए है, रेस्ट कर लिए है, तब आप धीरे से उनके साथ ये बातचीत छेड़ सकते हो कि मुझे बहुत बुरा लगा जब ये मैंने देखा आपने किया. ब्लेम नहीं करना है. जब आप ब्लेम करोगे, आप ऐसी उंगली उठाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान डिफेंसिव हो जाएगा. तो आप ऐसे ही बताए कि जब मेरे साथ झगड़ा हो जाता है आपका तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, लेट्स टॉक. तो जितना हम कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, एंड इट्स पॉसिबल. काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो बोलने की बात है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है. अगर हम पॉजिटिव रह के कम्युनिकेशन चैनल्स को शुरू रखें, तो बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन स्पाउसेस, एज अ फैमिली काउंसलर, एज अ चाइल्ड थेरेपिस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस इज पॉसिबल. हमें बस शुरुआत करनी है टू बी हैविंग ओपन कम्युनिकेशन इन द फैमिली. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Somebody has asked, how do I multitask in today's times and try and stay emotionally balanced? Multitask? Yes. देखिए हम ये बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है, बिकॉज हम सबको ऐसे लगता है कि हम स्पेशली वुमेन, उन्हें लगता है कि आई एम अ सुपर वुमन इफ आई कैन मल्टीटास्क. लेकिन देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड डूइंग मल्टीपल टास्क. अब मैं आपको धीरे से समझाना चाहूंगी इसका मतलब क्या होता है. जैसे हम साइंस ने प्रूव किया है कि जब हम एक चीज सोचते हैं तो एक टाइम पे हम एक ही चीज सोच सकते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत सारे विचार सोच रहे हैं एक साथ में, बट वो एक साथ में होते नहीं है. होता यह है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट्स आते हैं, बट इतनी तेजी से कि वो हमें थका देते हैं. उसी तरह अ लॉट ऑफ वुमेन फील कि हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो आई कैन फील लाइक अ सुपर वुमन, स्पेशली एट दिस पीरियड. तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये पीरियड नॉर्मल नहीं है, ये एक एबनॉर्मल पीरियड है. और इसमें काफी लोग जो है वो बहुत सारी चीजों का सोशल मीडिया पे फेस करते हैं कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव फीलिंग हो जाता है. मल्टीटास्किंग की जब बात आती है तो लेडीज को लगते हैं पुअर थिंग, जब मैं खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ में मेरा कंप्यूटर पे काम भी कर रही हूँ, साथ साथ में एक बच्चे को भी कुछ फीडिंग कर रही हूँ, साथ साथ में कपड़े भी धो रही हूँ, तो जब आप मल्टी एक ही साथ में इतने सारे काम करते हैं, होता यह है कि आपका फोकस और आपका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से 5-6 चीजों के अंदर जाता है. उसमें एक्चुअली थकान महसूस करना बहुत ज्यादा हो जाता है एक्चुअली. तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रेंथ देनी है या स्ट्रांग बनाना है कि हम मल्टीपल टास्क के लिए रेडी हो, कि हम एक होम मेकर भी बन सके, हम एक प्रोफेशनल भी बन सके, हम एक गुड मदर भी या गुड फादर भी बन सके, दूसरे भी काम कर सके. बट एक टाइम पे जब हम एक काम कर रहे हैं तो पूरी तरह फोकस करके वही काम कर दीजिए. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये हमारी एनर्जी बढ़ाए कि हम बहुत सारे काम कर सके, बट एक वक्त में एक काम पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करने में एनर्जी ज्यादा आएगी, थकान कम लगेगी और पूरे फोकस के साथ हम वो काम बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं. और इमोशनल स्ट्रेस की जो सेकेंड क्वेश्चन था कि मुझे बहुत इमोशनल स्ट्रेस, यस, जब आपका फोकस कम है यहां से ही एनर्जी खत्म हो जाएगी. तो जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू फील. तो ऑब्वियसली जब आप यहां से वहां भाग रहे हैं, इमेजिन करो कि ये आपका एक पागल मंकी है, मंकी जो हमारा माइंड इधर से भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग, यहां चढ़ वहां चढ़. जैसे मैं बोल भी रही हूं आपको थकान महसूस होगी और आप ये कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको थकान फिजिकली, इमोशनली, मेंटली महसूस होगी होगी. तो इफ यू कैन ट्राई एंड बी माइंडफुल और एक टाइम पे एक काम पूरी तरह से करके फिनिश कर सकते हैं एंड देन मूव टू द नेक्स्ट जॉब,
थकान कम होगी, इमोशनली आप स्टेबल रहोगे और हर चीज में आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा। परफेक्ट, थैंक यू स्मिता वर्मा, दैट वाज वंडरफुल। नताशा वर्मा, यस सर, एक्चुअली ये दो सवाल है लेकिन सिमिलर है, तो मैं उसको एक सवाल में कंबाइन करके आपको पूछ लेता हूँ। हाउ डू यू नो इफ यू हैव जीएडी? आई थिंक उसका मतलब है जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर। यस, जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर। ओके, ये एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है, और दूसरे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि हाउ डू यू डिटेक्ट एंग्जायटी? कभी कभी जब वो कॉफी पीते हैं तभी भी उनका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, या इफ दे आर प्लानिंग और थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक एन इंटरव्यू तब भी उनका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, तो वो डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि ये नॉर्मल एवरीडे रूटीन एंजाइटी है या एक एक्चुअल डिसऑर्डर है? ओके, सो जब हम कहते हैं, अभी जब किसी ने आपको पूछा कि हाउ डू आई नो कि मुझे जीएडी है, जीएडी का मतलब है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो एंजाइटी होती है वो हम सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? बट अगर ये एंजाइटी जो है, अगर हमें सांस ज़्यादा फूल रही है, टेंशन हो रहा है, हाथ स्वेटी हो रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, चोकिंग फीलिंग आ रही है, और ये एक्सेसिवली अगर आपको लगातार 3 वीक्स या उसके ऊपर 1 महीने तक कंटिन्यूसली ऐसे ही फीलिंग आ रही है, तब आपको जाके कंसल्ट करना है एक काउंसलर से या एक साइकेट्रिस्ट से, जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेंगे और बताएंगे कि आपको अगर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी हो रही है या नहीं हो रही है, या ये एक जस्ट पासिंग फेज है, और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर है, लॉस इन द फैमिली है, किसी का देहांत हुआ है, अगर फैमिली में किसी को इलनेस है, काफी सारे स्ट्रेसर्स हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें ये एंग्जाइटी महसूस होती है। और जब मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे लगता है कि मुझे एंग्जाइटी है या मुझे डिप्रेशन है, तो मैं उनको पूछती हूँ कि कैसे पता चलता है, आपको कैसे, क्यों लगता है ऐसे? तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने गूगल किया। तो ये एक ऑप्शन जो है वो बहुत ही बुरा ऑप्शन है, गूगल करना, जिसमें अगर सिम्टम्स नहीं भी होंगे तो वो हमें एग्जैजरेट करके बताएंगे। उससे बेटर है हम ऑथेंटिक जो साइट्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो एक वेबसाइट है, या फिर WHO है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, इन सभी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है उस पर अगर हम जाके देखें तो वो हमें ऑथेंटिक सिम्टम्स बताते हैं। बट मैं हमेशा मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज गूगल ना करें, और इससे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपको एंजाइटी है या आपको डिप्रेशन है, इससे बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर आप वो फील कर रहे हो तो आप प्लीज एक काउंसलर या एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले, तो वो बेहतर होगा। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू नताशा वर्मा, थैंक यू सो मच। स्मिता वर्मा, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्लाइटली लॉन्ग क्वेश्चन। माई डॉटर इज इन कैनेडा, शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, should I call her to India? She is currently jobless, has completed studies. I am extremely worried about her. Yes, I know ये काफी एक personal question है, and I'm so sorry के जो भी parent इससे गुजर रहा है, you have all my empathy with you. देखिए वक्त ऐसा है, फिलहाल की flights सभी बंद हो गई है, and there is no way के आप अभी फिलहाल उसे ला सकते हैं unless कुछ खुल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको भी ये वरी और स्ट्रेस होता होगा, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जब तक, अगर आपको डिसीजन लेना है उसे यहाँ लाने का, बट इन द पीरियड कि जब तक वो वहाँ है, आप शांत दिमाग रख के ये सोचिए कि वहाँ पे उसके पास कोई काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट, अगर आप कहते हैं कि डिप्रेशन है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जाके टेस्ट किया है, तो कोई ऐसे पर्सन है, डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट जिनके साथ वो संपर्क में है, और कोई उनका हेल्प या सपोर्ट सिस्टम है जो उनके साथ है, पीजी में है तो, और जॉब चली गई है तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एज अ फैमिली आपको उनके साथ बात करके, उनके साथ नेगोशिएट करके देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जब ये लॉकडाउन खुलता है तो क्या उन्हें लाना सेफ है, क्वारंटीन यहाँ हो जाएगा तो किस तरह से आप उसके साथ डील करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक्चुअली बैठ के प्लान करनी पड़ेगी। एंड एज अ पेरेंट या एज अ केयर टेकर, अगर आप
चिंता की वरी में होंगे कि हाँ यू नो डिप्रेशन है. सी होता ऐसा है जब चिंता आती है ना तो हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या डिसीजन लूँ, हाय उसे ये हो गया, हाय उसे वो हो गया. तो ये हाय 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 के फीलिंग में ही वो स्टोरी बनते जाती है और आगे डिसीशन क्या लेना है उस वो चिंतन की ओर हम कभी जा ही नहीं पाते और वरी में ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है टू बी ऑनेस्ट. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज बैठिए और सारे जो ऑप्शंस है उसे लिस्ट कीजिए कि लाना है ठीक है, कब ला सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, वहां पे उनका क्या हेल्प है, वहां पे उनको आप क्या सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं. तो जब आप बैठ के आपकी फैमिली और उनके साथ ये सब डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको और राहत भी मिलेंगी. एंड एक चीज आई नो शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं यही अपने व्यूअर्स को एक और लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगी कि देखो सिचुएशन जो है वो है, हर चीज अपने हाथ में है वैसा भी नहीं है. आप हर चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं वैसा भी नहीं है. हर चीज का सोल्यूशन या डिसीजन आप लेंगे वो सही ही होगा वैसा भी नहीं है. आपको करनी है कोशिश. अगर शांत दिमाग रख के आप इस तरह से वन डे एट अ टाइम एक दिन एक चीज का फिर बैठ के प्लानिंग करो, फिर बैठ के 3 महीने का प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो ही आप अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा सकेंगे. सिचुएशन चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक से अच्छा हो जाएगा, ये फेरी टेल में तो हम कभी रह ही नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो. तो ये सारी जो बातें आज हमने की वो यही है कि चिंता, स्ट्रेस, वरी, इसको आप अपने दिमाग में घर करने मत दीजिए प्लीज. जो भी आपका सिचुएशन है उसे शांति से बैठ के देखिए, डिसीशन लीजिए कि आपको क्या करना है. और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले अपना ध्यान रखेंगे एज अ पर्सन, एज अ केयरटेकर. आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, आप अपने स्लीप का ध्यान रखेंगे, आप अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे. जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप प्यार किसी को दे ही नहीं सकते. बिल्कुल. आप अपनी ध्यान नहीं रखेंगे, आप किसी का ध्यान रख ही नहीं सकते. आप एज अ मदर खाना नहीं खाओगे, थक जाओगे और फेंट हो जाओगे, तो आप किस तरह से अपनी फैमिली का ध्यान रख सकोगे. तो सेल्फ केयर, अपनी स्लीप, अपना भी न्यूट्रिशन एंड एज अ फैमिली ये टाइम है साथ में आने का, किसको क्या तकलीफ है वो पहचानने का, बात करने का, खुल के बात करने का टाइम है और हेल्प मांगने का. और इसमें कोई शर्म या कोई बुराई नहीं है. बुराई नहीं है. बिल्कुल बामा, जैसे आपने कहा, मैं एक जस्ट एक लाइन से एंड करूंगी ये सेशन कि आपने कहा कि हमें अपना खुद का ध्यान पहले रखना है. तो जैसे हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो वो बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनिए फिर अपने बाजू वाले को पहनाइए. तो इस सिचुएशन में हम सब इस से जूझ रहे हैं, इस स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान ज्यादा रखना है पहले. और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने फैमिली को भी स्वस्थ रख पाएंगे. There's a few people जो पूछ रहे कि the main problem in lockdown is we can't go to a doctor or we can't seek any help. Yes. So can you help us in this case? There are also some people asking that we have tried ये सारे जो techniques आपने बताया हमने try किए फिर भी हमको help नहीं हो रहा है. So how can we reach out to someone? Okay. So this is a announcement I would like to make सब participants के लिए कि हमारे पास एक helpline है. वो हेल्पलाइन का नंबर है 8879700800. I'll repeat that 8879700800. ये हमारे पास एक जमाती सेंट्रलाइज हेल्पलाइन है. इस पैंडेमिक के दौरान आपको कोई भी हेल्प लगे, आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी, आपको सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत पड़ी, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू रीच आउट टू समवन टू हेल्प यू, यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन. वो हेल्पलाइन डायरेक्टली हम ही फोन करेंगे और हम आपको हेल्प कर पाएंगे. थैंक यू नताशा बायमा एंड स्मिता बायमा. मैंने काफी कुछ नया सीखा ये सेशन में से एंड आई होप दैट जमात फील्स द सेम वे कि उन्होंने कुछ नया सीखा आज. और आज जो आपने स्ट्रेटजीज, जो टिप्स, जो ट्रिक्स सिखाए हैं to deal with anxiety, to deal with stress, to deal with tension, sab is strategies ko use karne ki koshish karenge. Thank you everyone. Stay home. Ghar pe rahiye, surakshit rahiye, safe rahiye aur swasth rahiye. Thank you. Yali Madad.